हेलो मेरे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जो कि 90% लोगों की परेशानियां होती है। तो हाँ दोस्तों, अब तक टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और वीडियो में अपना प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना कार्डियो, 10 मिनट करना है ट्रेडमिल पे, जिससे हमारा हार्ट बीट ठीक रहे और हम स्वस्थ रहे। और हाँ दोस्तों, 10 मिनट से कम नहीं करना। आप इससे 3 से 4 मिनट वॉक करिए और 6 मिनट अपने अकॉर्डिंग स्पीड करके दौड़िए, लेकिन 10 मिनट ही करना है। जो दूसरा एक्सरसाइज करना है वो है साइक्लिन। तो साइक्लिन हमें 10 से 12 मिनट करना है। उससे हमारा एब्डोमिनल में ज़्यादा इफेक्ट आएगा और हमारी कोर मसल को मजबूत भी करता है और हमारा स्ट्रेंथ भी बिल्ड करने में यह साइक्लिन बहुत ही मदद करता है। तीसरे एक्सरसाइज करना है पुशअप बर्पी। इसका हमें 15 से 20 रैप करना है, 2 सेट। जो भाई सेट का मतलब नहीं जानते उनको बता दूं, 15 15 का 2 बार करना है यही एक्सरसाइज। यह हमारे अपर बॉडी के साथ साथ बैक्टोरियल मसल, लोअर एब्स, ट्राइसेप, शोल्डर, यह सब पर भी इफेक्ट करता है। चौथा वर्कआउट है हाई नीज। इसमें भी आपको 2 सेट करनी है, कम से कम 1 लेग से 20 रैप निकालना है। मतलब 1 लेग से 20 और दूसरे से 20, मतलब 40 रैप के 2 सेट करनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारा हाइट को कम करने में बहुत ही हाई नीच करने के बाद हमारा 5वां एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। इसके हमें 2 सेट करने हैं और सेट में मिनिमम 50 रैप करने हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, या आप दोनों हाथों के अपने सर के ऊपर करके जंपिंग जैक कर सकते हैं। हमारा सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है डायगोनल क्रंच। जहाँ तक मुझे पता है इस एक्सरसाइज का यही नाम है, साइज लोअर एब्डोमिनल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ट्विस्टर बेस मशीन, इसके भी हमें 2 सेट करना है। और अगर आप लोगों ये पूरा एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो इसमें से 4-5 एक्सरसाइज जरूर करिए और इसके साथ साथ अपने डाइट को भी सही रखिए।